अगर आपके घर में आपका या आपके किसी भी परिवार का वोटर आईडी कार्ड में कोई भी गलती है तो 30 नवंबर तक बहुत ही अच्छा मौका है कि आप घर बैठे अपने वोटर कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने वोटर आईडी में आपका या अपने किसी भी परिवार के सदस्य का घर बैठे वोटर आईडी में करेक्शन कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे वोटर आईडी में एक करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे और ओपन करेंगे तो देखिए ये वोटर की ऑफिशियल ऐप है। इससे आप सारे काम कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है वोटर रजिस्ट्रेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और असेंबली और करेक्शन और डिलेशन जो भी करना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट, सब ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं। हम इस वीडियो में करेक्शन के लिए बताने वाले हैं। तो देखिए ऊपर से चौथा है करेक्शन फॉर एंटायर फॉर्म 8, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। जैसे ये होगा लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। लेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आप पर लिखे हुए हैं। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन की तरह पूछेगा। अगर आपके पास आपका वोटर आईडी नंबर है तो आप पहले यस पे क्लिक रहने देंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर नहीं है तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा मेरे पास वोटर आईडी नंबर है तो हम यस पे पहले वाले पे क्लिक रहने देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लीज़ इंटर योर वोटर आईडी नंबर, तो आपको अपने वोटर आईडी नंबर को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके वोटर आईडी से सारी डिटेल ले ली जाएगी, जैसे नेम, जेंडर, पेरेंट्स नेम, असेंबली, पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट, सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख लेंगे कि आप ही का है, अगर ये आपका ही है। कभी कभी वोटर आईडी नंबर गलत हो जाता है तो किसी और का खुल के आ जाता है, तो ये मेरा ही है। अब हम नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा कि आप क्या करेक्शन करना चाहते हैं। अगर आप नेम में करेक्शन करना चाहते हैं तो नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये टिक लग जाएगा। अगर आप फोटोग्राफ चेंज करवाना चाहते हैं तो फोटोग्राफ कर लीजिए, और एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो एड्रेस पर क्लिक कर लीजिए। जो चेंज करवाना चाहते हैं आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जैसे नेम करवाएंगे तो आप एड्रेस नहीं करवा सकते एक साथ, और अगर आप एड्रेस करवाएंगे तो नेम नहीं करवा सकते। और सब दो तीन अपडेट आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो एक साथ नहीं होते, तो आप देख लेंगे। तो इसमें से मुझे जैसे नेम ऑफ रिलेटिव्स चेंज करना है तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको यहाँ करेक्शन करना है बस चेकबॉक्स पर चेक करिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपको चेंज करना है, सही इन्फॉर्मेशन भरनी है, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। पहला है नेम ऑफ रिलेटिव्स ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपने रिलेटिव्स का नाम डालेंगे, मतलब फादर नेम। अपने फादर नेम चेंज करना चाहते हैं, वहाँ मिसप्रिंट है तो यहाँ पे फादर नेम डालेंगे, और नीचे फादर का लास्ट नेम कुछ है तो वो डाल देंगे आप। फिर अगर यहाँ पर हिंदी में गलत आता है तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, सही डाल दीजिएगा, फिर लास्ट नेम भी हिंदी में सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल नंबर आपका दिखाई देगा, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर देने के बाद आप यहाँ प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम एक प्रूफ देंगे कि आपका जो चेंज करवा रहे हैं पेरेंट्स नेम, वो उसका एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हैं, तो हम पैन कार्ड इसमें एक लगा देते हैं। यहाँ पर प्रूफ ऑफ चेंज योर नेम पर क्लिक करेंगे,
वहाँ पे आप जहाँ पे भी अपने मोबाइल में रखे हुए हैं पैन कार्ड या आधार कार्ड को, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हमारा सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जनरल डिक्लेरेशन को देखेंगे। यहाँ पे अपना नाम और प्लेस को भर देंगे, ऊपर नेम और नीचे प्लेस भर के डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बार प्रीव्यू आएगा कि देख लीजिए सारी डिटेल सही है। अगर सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए। हम ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से, इसीलिए आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए। जो आप डिटेल दिए वो एकदम सही है, सही है तो नीचे स्क्रॉल करके आप डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे जैसे ही क्लिक करेंगे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल ऑन इतना डेट आपको दिखा दे। एक रेफरेंस नंबर आपको दे दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी करके इसको रख लीजिए। तो हम इसको स्क्रीनशॉट लेके ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको उस रेफरेंस नंबर से अगर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आपको इसी एप्लीकेशन में वापस आना है। नीचे देखिए एक्सप्लोर का ऑप्शन है जिस पे 3 लाइन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऊपर से देखिए नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट का मिलेगा। इस पे आप स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सॉरी उसका मिलेगा, आप उसको पे क्लिक करेंगे। अगर आप वहाँ से एप्लीकेशन नंबर को रेफरेंस नंबर को अपने कॉपी किए हैं तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, अगर कॉपी नहीं किए हैं तो उसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद जैसे मैंने इससे पहले चेक कर चुका हूँ तो मैं इस पर जैसे क्लिक कर दूँगा वो मेरा हो जाएगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये रेफरेंस नंबर है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये रेफरेंस नंबर ऊपर भरा गया है, लेकिन आप पहली बार आए हैं तो आपका ऐसे नहीं शो करेगा, आपको ये रेफरेंस नंबर लिखना पड़ेगा और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे देखिए सबमिटेड फॉर्म दिखा रहा है कितनी तारीख को हुआ है, कितने बजे हुआ है। फिर आपका BLO अपॉइंट होगा, फिर फील्ड वेरीफाइड होगा, फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा। अगर आपका सब सही होगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर आप कुछ गलती किए होंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे अपने वोटर आईडी में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।